हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैक प्रिंटर में स्वागत है। तो आज की वीडियो में लोग जेरोक्स DC-250 ये वाली मशीन है, इसका वो चूहा काट गया था क्योंकि ये मशीन काफ़ी टाइम की पड़ी हुई थी मेरे पास। इसके वाली इसके दो वाले कर दो कनेक्टर ना चूहा काट गया था इसकी वायरिंग के, शायद कहाँ पर है ये वाले, ये कनेक्टर चूहा काट गया था। तो हमने वायरिंग मैंने इसकी चेंज कर दी है मशीन की। मशीन अभी मैंने काफ़ी कुछ सामान भी इसका निकाल दिया था पहले, क्योंकि जब मशीन पड़ी थी ना तो ना कुछ हम निकालते रहे थे। तो अभी मशीन अभी ओके हो चुकी है, ठीक है। अभी कलर में फ़र्क आ रहा है, इसका जो प्रिंट है ना बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है इसका, ये वाला। तो हमारे पास अभी कैलिब्रेटर हमारे पास की कैलिब्रेशन करेंगे, फिर देखते हैं इसके कलर कैसे आएंगे। ये मशीन इस मशीन का ना फाजमे में लगी थी, फाजमे ख़त्म हो गया था, चंडीगढ़ से ली थी मैंने ये वाली मशीन। तो अभी फाजमे इसका ख़त्म हो गया था, तो 2 साल तो पड़ी रही थी ये मेरे पास ही। तो मैंने जब इसको रेडी करने का सोचा तब तक देखा था पीछे खोल के, तो वायरिंग ना इसकी सारी चूहा काट गया था। तो वायरिंग तो हमने चेंज कर दी है, मशीन अभी ऑन भी हो गई है सारा कुछ। बाईपास से पेपर नहीं उठा रहा था, तो ये वाला जो गियर है ना ये डैमेज हो गया था, इस करके बाईपास से जो पिकअप है ना अप डाउन नहीं होता तो सेंस नहीं करता, तो वो वाली प्रॉब्लम तो अभी ठीक हो चुकी है। तो अभी ये कैलिब्रेशन कलर प्रॉपर सेट नहीं आ रहे हैं, वायरिंग ये वाली पड़ी है पुरानी वायरिंग जो है। तो अभी ये मशीन है फेरी अभी ऑन हो चुकी है, कैंसिल करते हैं फेरी को, ये सारा कुछ ओके है इसका। इसकी कंडीशन इस मशीन की बहुत अच्छी, तो अभी RC मशीन आ नहीं रही थी, तो अभी फ्री थे हम लोग, तो हमने कहा चलो इस मशीन को रेडी करते हैं, सारा ओके है। कंज्यूमर चेक करते हैं, कंज्यूमर में सारा फुल दिखा रहा है, ये सारा ओके। तो अभी कैलिब्रेशन करेंगे, क्यों डार्क कलर आ रहा है, कैलिब्रेशन करके आपको दिखाऊंगा कलर में कोई चेंजेस फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। ये इसका सैन जो डार्क सैन का ड्रम ख़राब है ये वाला, ये बाद में चेंज कर देंगे, क्योंकि जब ड्रम लगाते हैं तो मशीन कहीं शिफ्ट करनी है इंस्टॉल करेंगे तब भी ड्रम ख़राब हो जाती है जल्दी। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर 2000 हमारे पास, तो अभी मैं आपको कैलिब्रेशन करके दिखाऊँगा, तो अभी इसका कैलिब्रेशन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला वीडियो शूट करता हूं, आपको क्लिप दिखा दूंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं जरा से रिलेटिव जो कलर मशीन होती है उसकी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, कैसे रिपेयर करते हैं, कभी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन देता हूँ, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप बार बार फ़ोन नहीं किया करें, छोटी मोटी के बंदे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यार, रात के 2-2 बजे भी 12-12, 1-1 बजे फ़ोन मारते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो टाइम से फ़ोन किया करो, 10 से 5-6 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब कंप्लेंट होते तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ एक बार ही। तो मिलते हैं अभी लास्ट में जाके। हमारा ना स्पेक्ट्रोमीटर का क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है ना, वो साइड रखी हुई है, स्पेक्ट्रोमीटर एक ये होता है, क्लिप ये होता है, ये होता है, ये वायरिंग होती है, और ये स्पेक्ट्रोमीटर है इसका। 2000 हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है ये वाला, 2000 हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये इसकी वायरिंग है, और एक ये वाला इसका वाइट बेस है जो इसको रखते हैं इसके ऊपर ना, ये वो है इसी का जो वाइट ना इसको प्रॉपर ये स्पेक्ट्रोमीटर सेंस करता है ये वाला। ये आप इसको इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं इसको, इसको पहले हमें इधर करना पड़ेगा, इस तरीके से आप इस तरीके से रख सकते हैं इसको, बस ये वायरिंग है। और ये रहा हमारा स्पेक्ट्रोमीटर वाली प्लेट, यहाँ पर आप लोग कई लोग सीधा भी रख के कर सकते हैं, जैसे मैंने भी पहले किया है ना, सीधा आप हाथ से कर सकते हैं, लेकिन ये पहले का प्रिंट निकला हुआ पड़ा है ना, आप इस तरीके से लगाएंगे ना तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी प्रिंट में, इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट रख लें आप, इस तरह से यहाँ से इस तरीके से रख लें, और इसको कर लें थोड़ा ऊपर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रोमीटर ना ये वाला, ये इसको यहाँ पर लगा लें आप, बस यहाँ पर ये लॉक है इसके, जब लॉक में लग जाता है ना तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, बिल्कुल सीधा आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, आपने आपको कोई मूवमेंट हिलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपको लगता है ये स्कैन हो गया ना तो आप सीधे इस तरह इसको आगे ऐसे थोड़ा ऐसे करके ना इस तरीके से मेंटा येलो सियान जो भी करना आप ऐसे कर सकते हैं। वो जो पेपर है ना ये वाला बिल्कुल टच होता है यहाँ से ना, तो पेपर तिरछा सीधा रहेगा, रोल पेपर भी बिल्कुल सीधा रहेगा,
तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। ओके, तो अभी मैंने कैलिब्रेशन का सेटअप लगा लिया, तो आपको दिखा दें ये लैपटॉप जो कमांड वर्क स्टेशन है, यहाँ पर मैंने ये कर दिया कनेक्ट। ठीक है, 1000 यहाँ कनेक्ट है, ये लगा हुआ है। कैलिब्रेशन करने के लिए ना हमारे पास ड्यू पेपर है, ये ड्यू पेपर ही होना चाहिए, 100 GSM का है, बिल्कुल वाइट। इस पेपर भी कैलिब्रेशन होती है। ठीक है, तो पूरा सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, पेपर बाईपास पर रखेंगे। ठीक है, और जो कमांड है ना, हम लोग यहाँ पर ये दिखाया था हैवी वेट टू। ठीक है, ओके, प्रिंट पे जाएंगे और जो पेचेस हैं, शॉर्टेज A4 है। ठीक है, बाईपास सेलेक्ट करेंगे, बाईपास ऑटोमेटिक है, और कमांड दे देंगे इसको यहाँ से। जैसे आप कमांड सबमिट करेंगे ना, ऑटोमेटिक कमांड आ जाएगी, मशीन मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको दिखा देते हैं, यहाँ कमांड आ चुकी है ये वाली। ठीक है, अब इसका जो प्रिंट है ना, इस तरीके का लिख के आएगा यहाँ पर, ये वाला। तो इस तरीके का प्रिंट आता है। ठीक है, पैचेस आप देख लो। ठीक है, इस तरीके का प्रिंट आता है ये। तो अभी हम इसको स्कैन करेंगे, तो जब ये वाला प्रिंट आ जाएगा ना, ठीक है, तो आप जब मेजर पे क्लिक करेंगे ना, उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शन आने स्टार्ट हो जाएंगी ना। तो ये कह रहा है स्कैन को स्कैन करो, तो ये वाला सेटअप हम स्कैन करके दिखाता हूँ आपको मैं। अब वीडियो में वन अपात दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी हमने कैलिब्रेशन कर दी है, सेटअप ही लगा हुआ है, कैलिब्रेशन कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अभी हम प्रिंट आउट लगा देखते हैं, शायद कमांड में कोई फ़र्क आ रहा नहीं आ रहा है, सेम प्रिंट आ रहा है, वो चेक करेंगे। ये वाला प्रिंट है, ठीक है, और जो पहले वाला प्रिंट है ना, उसमें काफ़ी फ़र्क है। ये वाला भी देखते हैं फाइल लगा के। तो ये देखो, ये अभी प्रिंट ही आया था, आपको चेक करा, दोनों फाइलें आपको चेक करा देता हूँ। ये अभी ये प्रिंट, और ये वाला जो प्रिंट है ना, ये कैलिब्रेशन पहले आया था, तो कलर में आप देख सकते कितना फ़र्क आ रहा है ना। इसमें पूरी जो मेंटल टोन आ रही थी पूरे प्रिंट में, कलर प्रॉपर नहीं आ रहा था। अभी इसका कलर देखो आप, सारा कलर ओके आ रहा है, ये देखो। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था कलर में, इसमें तो इसमें काफ़ी पूरा जो फेस है ना, पूरा मेंटा आ रहा था सारे फ्रंट पेंट पे। इसमें ना प्रॉपर स्मूथ कलर आ रहा है, जो एक्चुअल कलर आना चाहिए वो कलर आ रहा है इसका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कलर में फ़र्क पड़ गया अभी। कैलिब्रेशन से ना, जो प्रोडक्शन मशीनों में कैलिब्रेशन से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी जो कलर लाइट डार्क चलते ना, वो भी सेट हो जाएंगे, और जो कलर एक्स्ट्रा चलते हैं ना, सारे कलर ना इसने कैलिब्रेटर ने ना ऑटोमेटिक सेट कर दिए इस तरीके के। कई लोग कहते हैं कैलिब्रेशन जरूरत नहीं पड़ती, कैलिब्रेशन करने से ना बहुत ज़्यादा कलर फ़र्क पड़ता है, और जो अगर आपका टोनर ज़्यादा लगना है तो वो भी कम लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस प्रिंट में देख रहे हैं ना आप, इसका ब्लू आ रहा है इसमें ना, ये देखो, और ये देखो येलो इसका चेंज आ रहा है। इसमें देखो फेस का कलर कैसा आ रहा है, इसमें देखो कैसा आ रहा है, तो बहुत फ़र्क है। तो अभी मशीन वाली पूरी 250 ये रेडी हो चुकी है सारी, प्रिंट आउट में कोई दिक्कत नहीं है, सारा कलर में दिक्कत आ रही थी, पूरा सेटअप ओके हो गया है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल पर अगर पहली बार आया है ना, तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।